सबको जय मसीह सीखिए। मैं पास्टर लाल जी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हरि के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हरि से बातचीत करना चाहता हूं। आइए वचन को देखते हैं। व्यवस्था विवरण अध्याय 28 वचन 1 से। व्यवस्था विवरण अध्याय 28 वचन 1। आइए देखते हैं। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुम्हें सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुनो, चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां परमेश्वर का वचन हमें बताता है और परमेश्वर का जो वचन है ये आशीष के शब्द हमारे और आपके लिए है। ये आशीष के शब्द, इसीलिए बाइबल बताती है, कहती है कि यह मनुष्य की संतान यदि तू क्या करे अपने परमेश्वर यहोवा की सारी आज्ञा। कहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सारी आज्ञाएं जो आज मैं तुम्हें सुनाता हूं, कहता जो आज्ञा आज मैं तुम्हें सुनाता हूं, कहता है चौकसी से पूरी करने के लिए अगर चौकस रहकर पूरी करने के लिए चित्त लगाकर उसकी सुनना चालू करता है। अगर कोई व्यक्ति कहता है अगर तू परमेश्वर की सारी आज्ञाएं जो आज तुम्हें सुनाया जा रहा है अगर चौकसी से पूरा करने के लिए, जिम्मेदारी से पूरा करने के लिए अगर चित्त लगाकर उस परमेश्वर की बात को सुना जाए, ध्यान लगाकर परमेश्वर की बातों को सुना जाए, तो वचन कहता है तो वह तुझे पृथ्वी के सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। कहता है परमेश्वर तब क्या करेगा, पृथ्वी पे जितनी भी जातियां हैं, कहता है कि हर जातियों में श्रेष्ठ ठहराएगा। मेरी प्यारी भाई बहनों, ये कब ठहराएगा कि जब परमेश्वर की सारी आज्ञाएं जो आज आपको सुनाई जा रही है, कहता है चौकसी से पूरा करने के लिए, सावधानी से उसे पूरा करने के लिए चित्त लगाए, ध्यान लगाकर उस परमेश्वर की बातों को सुनना चालू करे तो वह व्यक्ति, तो वह परमेश्वर क्या करेगा कि आपको इस पृथ्वी पे सारी जातियों में श्रेष्ठ करे, आपको क्या करेगा इस पृथ्वी पे सारी जातियों में श्रेष्ठ करेगा। कहता है फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पे पड़ेंगे। कहता है कि फिर क्या होगा कि अपने परमेश्वर यहोवा की सारी बातें सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद जो कहता है बताया जा रहा है, कहता है सारा आशीर्वाद तुझको मिलेगा, सारा वह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में पूरा होगा। कब पूरा होगा कि जब उस परमेश्वर की सारी आज्ञाओं जो सुनाया जा रहा है चौकसी से पूरा करने के लिए चित्त लगाकर उसकी सुने, तब वो परमेश्वर क्या करेगा सारी जातियों में तो आपको श्रेष्ठ बनाएगा, उत्तम बनाएगा। कब कि जब अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण जब सुनेगा तब, और ये सुनने के कारण परमेश्वर का आशीर्वाद आपके ऊपर उतरेगा। इसलिए मेरे प्यारे भाई, यदि आप उस परमेश्वर के आशीर्वाद को पाना चाहते हैं, परमेश्वर की सामर्थ को पाना चाहते हैं, तो अवश्य है कि आप परमेश्वर की आज्ञाओं को जो आप सुनते हैं ग्रहण करें, उसे अपनाइए, अपने अंदर रखिए, क्योंकि वह आज्ञा के द्वारा आपको
ऊंचा स्थान देगा। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई आंखों को बंद करें, पूरे विश्वास से भर जाए। आज सुबह की प्रार्थना आप सभी के लिए करने जा रहे हैं। इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आप सभी के जीवन में आशीष दे। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजान वाले पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जगत के पालनहार परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता प्रभु, आप सभी से प्रार्थना करता पिता। अपने पवित्र तेजस्वी सामर्थ्य बलवंत हाथों को बढ़ाकर हे परमेश्वर, सबके शरीर को स्पर्श कर। जितने लोग ऑनलाइन में जुड़े पिता, हर एक को स्पर्श, हाँ मेरे प्रभु, हर एक को छू और इन्हें चंगा कर। मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करते हैं इनके शरीर के, घर परिवार के ऊपर कोई प्रकार के तंत्र मंत्र जादू टोना, कोई भी कारीगरी के बंधन, सारे बंधन टूटने पाए। कोई दुष्ट आत्मा, शैतानी आत्मा, मरी हुई आत्मा, कुजमान शक्तियों का प्रभाव प्रकोप बिल्कुल समाप्त हो। हाँ मेरे प्रभु, जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, इनके द्वारा जितने अपराध गुनाह हुए पिता, उन्हें क्षमा कर, उन्हें माफ, और आज पूरे दिन इन्हें सुरक्षित रख, ताकि आज इनके द्वारा कोई पाप कोई गुनाह न होने पाए। प्रभु हर प्रकार के पाप से, हर प्रकार के गुनाह से इन्हें बचा कर रख मेरे, उनके जीवन में जितनी भी परेशानी प्रभु तेरे नाम से वो सारी परेशानी दूर। मेरे प्रभु मैं विनती करता हूँ, जितने भी रुके हुए अधूरे काम, सारे रुके हुए अधूरे काम पूरे होने पाए। ओ महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ हे परमेश्वर, जितने लोग इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे प्रभु, आज तेरा ब्लेस उनके जीवन में थे। ओ प्रभु मैं प्रार्थना करता हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे, उनके जीवन के हर क्षेत्र में आशीष दे। उनके हे परमेश्वर, इनमें से जो कोई व्यक्ति, बीमार व्यक्ति यदि इस प्रार्थना को सुन रहा है, तो प्रभु उसके शरीर की बीमारियां जाने पाए। यीशु के नाम से सारी बीमारी, जिसके सर में दर्द हो सर का दर्द, बदन में दर्द हो बदन का दर्द, आंखों की तकलीफें निकल जाए, कान की तकलीफें, नाक की तकलीफें निकल जाए, गले की तकलीफें निकल जाए, सीने का दर्द, पेट का दर्द, कमर का दर्द, रीढ़ की हड्डियों का दर्द, घुटने का दर्द, सब नष्ट हो जाए यीशु के नाम। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं, ब्लड प्रेशर शुगर की बीमारी उनके शरीर से निकल, ब्लड प्रेशर शुगर की बीमारी, दमा, एचआईवी, टीबी, कैंसर नष्ट हो जाए। जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता मन नहीं, जिसका लीवर खराब हो चुका, किडनी खराब हो चुकी, पेंडिस की बीमारी, हार्निया की बीमारी, फाइलेरिया, थायराइड की बीमारी निकल, जिसके पास घर नहीं उसे घर हो जाए। महान परमेश्वर ओ महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता जितने लोग प्रार्थना सुन रहे हैं पिता, इनमें से जो पढ़ाई लिखाई करने वाले हो, पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में आगे बढ़े, जीवन का लक्ष्य पूरा करे, जिन्हें सदैव तेरे मार्ग पर चले। हाँ मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ जिसके पास रोजगार नहीं रोजगार मिले, नौकरी नहीं नौकरी मिले, जो गरीबी के श्राप में छुटकारा पाए, जो कर्ज में उसका कर्ज अदा हो जाए, जिसके पास घर नहीं उसे घर हो जाए, चलने का साधन नहीं चलने का साधन। महान परमेश्वर मैं प्रार्थना करता पिता, स्वर्ग से अपनी महिमा की आशीष उनके जीवन में आने दे पिता। जितने लोग इस प्रार्थना को सुने, अगर इनमें से कोई सेवा करने वाला, उनके सेवकाई के क्षेत्र पे आशीष दे, ताकि उनकी सेवकाई बढ़े। हाँ मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हर तांत्रिकी प्रभाव उनके जीवन से निकले, हर दुष्ट आत्मा निकले, हर शैतानी आत्मा निकले, और रील वास और वास साकार मंडला रे बस करो ओ रे लवा बाबा रे बस संदोलो रे बाल बाल सेन दिगरे दिगरे। देखो पवित्र आत्मा को छू रहा है, पवित्र आत्मा स्पर्श कर रहा है, स्पर्श कर, स्पर्श कर, स्पर्श कर, टश। महान परमेश्वर में प्रार्थना करता भारी सामर्थ्य, भारी आशीष हर के जीवन में उतरने देते। हमारे महान पिता तेरा साथ, उनके साथ तेरा हाथ उनके सर पे, अनुग्रह शांति से भर दे प्रभु, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हर को आशीष दे, गॉड ब्लेस यू, धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।